चलिए बच्चे, आज हम लोग लॉस प्रॉफिट में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जो क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद उसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेल्स ए साइकिल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इतना का मतलब क्या है, ए बी को एक साइकिल बेच रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट में से, 10%। इसके बाद क्या हुआ, बी सेल्स टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बी ने क्या किया, सी को फिर साइकिल बेच दिया कितने प्रॉफिट में, 20% में। इफ सी पेज रुपीज 264 फॉर इट, सी को क्या करना पड़ा, इस साइकिल के लिए 264 रुपया पे करना पड़ा। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच डिड ए पे फॉर इट, इसके लिए ए ने कितना पे किया था। तो इसका सही आंसर ये है, इसकी सॉल्यूशन हम लोग शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, सी पी ऑफ ए इक्वल्स टू कितने होंगे, 100 upon 110 into 100 upon 120 into 264। अब एक जीरो दो जीरो काट दो, 12 से काटोगे तो 22, 11 से काटोगे तो 2, 2 और 100 मिलके 200 रुपीज। तो देखिए 200 रुपीज। इसके लिए जो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या फार्मूला ध्यान में रखना है, 100 upon 100 plus minus x, फिर 100 upon 100 plus minus x इंटू आर। यहाँ पे x और r का मतलब आपको समझना ज़रूरी है। ये x का मतलब यहाँ पे देखिए 10% प्रॉफिट हुआ, इसलिए प्लस साइन लगाया हूँ, लॉस होता तो माइनस साइन लगाते हैं। इसमें x मतलब ये जो 20% प्रॉफिट हुआ, और ये r का मतलब जो c ने पेज किया था 264, ये आर है, यही पुट करके हमने सॉल्यूशन किया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।